हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम भी। एग्जाम भी पर आपका स्वागत है। सो उन्होंने जिन्होंने ईपीएफओ एसएसए बेसिकली जो स्टेनोग्राफर का था उसमें बेसिकली दो पोस्टें थी, एक एसएसए की थी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की और दूसरी स्टेनोग्राफर की। तो जिन्होंने भी स्टेनोग्राफर का पेपर दिया था जो कि 1 अगस्त को एनटीए के थ्रू कंडक्ट कराया गया था, तो वहां पर उसका जो स्टेज फर्स्ट था उसका रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे थे सिलेक्ट हुए थे उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है डायरेक्टली। यहाँ पर मार्क्स वगैरह डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, क्या कट ऑफ रही अभी ये नहीं क्लियर किया गया है, लेकिन जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, फिलहाल आप जो नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हो। ठीक है, ये सामने आप देख सकते हो, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्टेज वन एम्प्लॉय जो ईपीएफओ है उसका जो रिक्रूटमेंट था किसके लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, ये लिखा हुआ है। तो स्टेनोग्राफर जो 1 अगस्त को हुआ था उसका रिजल्ट यहां पर दिखा दिया गया है, आप देख सकते हो ये। ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए 1 अगस्त को हुआ था तो उसका रिजल्ट आ चुका है और ये उसकी डिटेल आप नोटिफिकेशन जो भी कह सकते हो आप देख रहे हैं। ठीक है, अब जो रहे बच्चों के नाम, तो बच्चों के नाम वाली लिस्ट ये रही है जिसमें कैंडिडेट्स जिन्होंने जो सेलेक्ट हुए हैं फाइनली उनका नाम आप देख सकते हो। तो अनिकेत, मोहम्मद जिशान, पूरा आप इस ये जो बेसिकली पीडीएफ है इसको डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। आप स्टेज टू के लिए क्या मार्क्स हुए हैं, कितने नंबर पे सेलेक्ट हुआ है, अभी ये डिक्लेयर नहीं हुआ है। एसएसए जिन्होंने सिर्फ कुछ ऐसे भी रहे थे जिन्होंने सिर्फ एसएसए दिया था, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का दिया था, अभी उनका रिजल्ट आना पेंडिंग है, अभी वो नहीं हो पाया है अभी उसका, क्योंकि बेसिकली वो रिजल्ट, वो जो पेपर कंडक्ट हुआ था वो उसके लगभग 15 से 16 दिन, इवन 17 से स्टार्ट हुए थे, 17 और 18 से स्टार्ट हुए थे, 22 तक जो एग्जाम चला था, तो उसका रिजल्ट अभी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये आप नाम देख सकते हो, पूरी लिस्ट है कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, देख लेते हैं एक बार। तो टोटल इसमें जो सेलेक्ट हुए हैं वो हैं, ठीक है, काफी सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं भाई इसमें। तो सीधे नीचे चलते हैं, यहां पर 1871 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर एग्जाम में जो क्वालिफाई हुए स्टेज वन के लिए 1871 बच्चे टोटल हैं जो सेलेक्ट कर लिए गए हैं। आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं, अपना नाम सर्च करके ऊपर सर्च में डालेंगे अपना नाम दिखा देगा। तो जो भी सेलेक्ट हुए हैं वो अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स, वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पिन कर सकते हैं। उसके साथ ही आप स्टेज टू की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए भाई, जो स्किल टेस्ट बेसिकली होनी है उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी सेलेक्ट हुए भाई उनके लिए ऑल द बेस्ट। एसएसए वाले ये रिजल्ट मत देखे क्योंकि अभी एसएसए का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, उसको आने में भी टाइम लग सकते हैं क्योंकि वो बेसिकली एक तो 6 अलग अलग शिफ्ट में हुआ है। ठीक है, तो वो टाइम लेगा, थोड़ा सा एवोल्यूशन में टाइम लगता है मार्किंग वगैरह करने में। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लोग तुरंत आपको आप तक पहुंचाते हैं तो थोड़ा सा यार एफर्ट है। सो डू सब्सक्राइब दी चैनल, थैंक यू ऑल।